that what is the meaning of retailing? Who are retailers, right? So retailing is a process. Basically, it is a process which consists like जिसमें सारे वो जहां से product बन रहा है consumer तक पहुंच रहा है. Basically, जो आपके final consumer तक पहुंचाने का जो काम कर रहा है, finished good को जो पहुंचा रहा है consumer तक, that is retailing. ठीक है. अब रिटेलिंग में आपका यहाँ पर एडवर्टीजमेंट हो रहा है, प्रोडक्ट को आप किस तरीके से प्रमोट कर रहे हो, एवरीथिंग कम्स अंडर द रिटेलिंग. बट हु आर रिटेलर्स हु आर इंगेज्ड इन दिस प्रोसेस, रिटेलिंग के प्रोसेस में जो इंगेज्ड है, ये कंपनी भी हो सकती है रिटेलर और साथ साथ में दैट कैन बी इंडिविजुअल. ठीक है. जैसे आपके सोल प्रोप्राइटर कौन होते हैं, वो इंडिविजुअल होते हैं. ठीक है, जो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं. बिग बाजार क्या होगा, कंपनी होगा, दे आर ऑल्सो रिटेलर, राइट? दैट इज द पार्ट ऑफ फ्यूचर ग्रुप. लेकिन अब तो खैर बिग बाजार का कंसेप्ट अलग चला गया, अमेज़न और ये रिलायंस के बीच में अभी चल रहा है थोड़ा सा, देखते हैं सॉल्व. यहाँ पर हमने रिटेल रिटेलिंग समझ लिया था. व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ रिटेलिंग, रिटेलिंग के कौन कौन से फंक्शंस है, लास्ट बेंच चलिए बताइए, व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ रिटेलिंग? चलो बैठो शमाइल, गुड. चलिए रोशन बताइए. ओके गुड. तो ये सारे क्या थे, फंक्शंस ऑफ रिटेलिंग. उसके अलावा हाउ द कंज्यूमर्स आर इवैल्यूएटिंग द रिटेलर्स, द वेरियस फैक्टर्स ऑन विच बेसिस बेसिकली वी आर इवैल्यूएटिंग द रिटेलर्स. ओके, फ्रॉम गर्ल साइड हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट द डिफरेंट फैक्टर्स, how they are evaluating the retailers, how consumer evaluating the retailers? Yes, bataiye factors which is evaluated by the customers for retailers, kya kya factors hai? Okay, who is going to tell me about it, raise your hand. Yes Balram, service, matlab convenient location hona chahiye. Very good. Service quality acha hona chahiye. प्रोडक्ट एक्सपायर्ड सेल नहीं करना है. ठीक है, हाँ. सर्विस क्वालिटी, सेल्समैन, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड. एनीवन एल्स हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स which is evaluated by the customers for retailers? क्या क्या चीजों को देख कर कस्टमर विजिट करना चाहेगा? यस सोनम, कैमरा टर्न ऑन बेटा, कैमरा टर्न ऑन. मैम कैमरा ऑन नहीं कर सकते. मैम कन्वीनियंस लोकेशन, पार्किंग स्पेस, इमेज ऑफ अ स्टोर, सेल्स रिटर्न पॉलिसी, क्वालिटी सर्विस, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, नो एक्सपायरी प्रोडक्ट, शॉपिंग एक्सपीरियंस, रिलेशनशिप विद रिटेलर. ओके वेरी गुड. ओके नाउ व्हाट आर द नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट वन इज दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होलसेलर एंड रिटेलर. ठीक है, फ्रॉम योर बुक, अगर हम आपके बुक से देखें तो बेसिकली सेल्स टू रिटेलर क्या करता है, सेल्स टू द फाइनल कस्टमर. जो फाइनल कस्टमर को प्रोडक्ट को क्या करता है, सेल करता है, यानी कि कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट पहुंचाने का काम रिटेलर करता है. होलसेलर क्या करता है, दे आर प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट टू द रिटेलर. वो किसको सेल करता है प्रोडक्ट, रिटेलर को. ठीक है, यानी कि होलसेलर एक मेडिएटर है लेकिन कंज्यूमर तक प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करता है, वो किसको प्रोवाइड करेगा, रिटेलर को. ठीक है, सेकेंड वन इज लाइक रिटेलर के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं. तो रिटेलर का स्टोर का इमेज होना चाहिए, लुक बेटर होना चाहिए, जहां पर कस्टमर जाना पसंद करे. उसके अलावा इनके पास मर्केंडाइज मिक्स होना चाहिए, यानी वेराइटीज अवेलेबल होना चाहिए. ठीक है, और बेसिकली स्टोर इमेज, लोकेशन और मर्केंडाइज मिक्स, दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर रिटेलर. लेकिन होलसेलर के लिए क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए, होलसेलर जो है जरूरी नहीं कि उसके पास मिक्स मर्केंडाइज हो, फर्स्ट थिंग. हाँ, उनके पास बल्क क्वांटिटी अवेलेबल होना चाहिए, राइट, ताकि वो बेसिकली सप्लाई कर पाए रिटेलर को. उसके अलावा इनका लोकेशन वगैरह मैटर नहीं करता है एज सच लाइक रिटेलर, क्योंकि रिटेलर कस्टमर के साथ डील करता है. फाइनली कस्टमर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पहुंचेगा ना स्टोर पे. लेकिन होलसेलर जो है उसके लिए कन्वीनियंस, मतलब लोकेशन, स्टोर इमेज डजंट मैटर.
ठीक है, एंड मर्केंडाइज मिक्स यानी उनके पास कितना मटेरियल है वो भी मैटर नहीं करता, उनके लिए क्वांटिटी मैटर करता है कि बल्क क्वांटिटी में अवेलेबल होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आया, बुक से बता रही हूँ, फिर लिखवाने वाला काम, ठीक है। थर्ड पॉइंट है ऑफन वर्क्स ऑन फुल मार्जिन, यानी कि यहाँ पर जो रिटेलर होते हैं वो फुल मार्जिन में काम करेंगे, यानी कि हाई मार्जिन वो किससे लेते हैं? कंज्यूमर से, ठीक है। रिटेलर मार्जिन किससे लेता है? हाई मार्जिन कंज्यूमर से, यानी जो प्रोडक्ट को होलसेलर से वो 20 रुपए का लेकर आया, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को मत मानना, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का एक फिक्स्ड अमाउंट में मार्जिन चलता है, लेकिन जो खुले वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो अगर 20 रुपए में लेकर आता है तो वो 40 रुपए में भी उसको सेल कर सकता है, किसको? कंज्यूमर को। लेकिन होलसेलर कंपैरेटिवली टू रिटेलर वो मार्जिन कभी भी हाई नहीं लेता है, मतलब दे आर वर्किंग इन लो मार्जिन रिटेल होलसेलर। व्हाई? बिकॉज दे आर बेसिकली परचेजिंग द, बिकॉज दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट इन बल्क, वो प्रोडक्ट बल्क में बेचते हैं तो वो लो मार्जिन पे भी काम करते हैं तो भी उनका बेनिफिट प्रॉफिट क्या होता है? हाई होता है, ज्यादा होता है। लेकिन रिटेलर्स लिमिटेड क्वांटिटी के साथ डील करते हैं, इसीलिए कई बार वो हाई मार्जिन में प्रोडक्ट को सेल करते हैं। यानी मार्जिन की बात की जाए तो हाई मार्जिन इज देयर इन रिटेलर एंड लो मार्जिन इज इन होलसेलर। आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट, provide the credit facilities and other personal service to customer, like the retailers जो होते हैं, they are working in the relationship marketing में काम करते हैं, यानी कि they just try to make the relationship with customers, ताकि उनके कुछ customers हमेशा उनके यहाँ से product को खरीदते रहें। तो कई बार वो credit facility यानी उधार की facility भी retailer को देते हैं, personal service घर तक भी सामान पहुंचा देते हैं, अगर आप call करोगे तो वो घर तक भी लाकर आपको दे देते हैं। So like they are giving you multiple options because of the relationship which is created between the customer and the retailer, right? But in the case of wholesaler, बहुत rarely वो credit facility देंगे, देते हैं, लेकिन rarely और एक particular time period के लिए, like that is only for 1 month, 15 days like this, ठीक है? और कई बार बहुत सारे ऐसे भी wholesalers होते हैं जो कभी भी आपको credit facilities के साथ product provide नहीं करेंगे, ठीक है? और वो मतलब उनका पर्सनल सर्विस जो होता है, लाइक रिटेलर कस्टमर का जैसा होता है वैसा उनका पर्सनल सर्विस नहीं होता है, क्योंकि वहां बहुत सारे रिटेलर्स हैं जो डील कर रहे हैं किसके साथ? होलसेलर के साथ, ठीक है। बिकॉज वो लो कॉस्ट में प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं और होलसेलर्स आर लिमिटेड, बट रिटेलर्स आर नॉट लिमिटेड, रिटेलर्स आपके बहुत सारे हैं, तो आपको अगर इस शॉप में नहीं बनेगा तो कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शन है, बट होलसेलर्स आर लिमिटेड, तो उनको पता है कि उनका प्रोडक्ट फाइनली रिटेलर सेल, मतलब रिटेलर तक पहुंचेगा ही, उनका प्रोडक्ट सेल होगा ही, है ना। तो दे आर नॉट बेसिकली बिलीविंग ऑन द पर्सनल रिलेशनशिप विद द रिटेलर्स, दे आर मेकिंग अ फॉर्मल रिलेशनशिप, एंड वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे काम करते हैं, बेसिकली बोलते हैं फॉर्मल वे में दे आर वर्किंग, बट ये चीज पॉसिबल आपके रिटेलर के साथ नहीं है। रिटेलर और कस्टमर का हमेशा कई बार एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से दे आर प्रोवाइडिंग द एक्स्ट्रा सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आगे बस समझ में आता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिटेलर्स आर वेरी लार्ज इन नंबर, मतलब बहुत सारे होंगे। अगर हम बात करें किराना स्टोर और जनरल स्टोर की, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो मैंने कल ही बताया था आपको कि 94% इन इंडिया देयर इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर, करेंट डेटा के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू योर बुक 98%, हाँ 98% अकॉर्डिंग टू योर बुक, करेंट में भी 94% है, तो लाइक अभी 6% जो है, हाँ 6% जो है आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है। सो अगर हम सारे रिटेलर्स को देखें, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, तो बहुत सारे हैं ये, ठीक है। और अगर आप होलसेलर की बात करो तो लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड नंबर, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होलसेलर रिटेलर का डिफरेंस। चलिए अब लिखने का काम करते हैं, डिफरेंस बिटवीन होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, डिफरेंस बिटवीन होलसेलर एंड रिटेलर्स, डिफरेंस बिटवीन होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। सबसे पहले लिखिए आप मीनिंग, मीनिंग के बेसिस पे, फर्स्ट पॉइंट मीनिंग, मीनिंग के बेसिस पे लिखिए। होलसेलर एक तरफ लिखिएगा, एक तरफ बेसिस होलसेलर, बेसिस होलसेलर रिटेलर, तो बेसिस में सबसे पहला पॉइंट लिखिए मीनिंग। लिखिए, चलिए फर्स्ट मीनिंग में लिखिए, होलसेलर में लिखिए, होलसेलर्स बाय
from the manufacturers, wholesaler buy from the manufacturer. मैन्युफैक्चरर से क्या खरीदता है, वो बेसिकली प्रोडक्ट खरीदता है, ठीक है, परचेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड सेल गुड्स होलसेलर्स बाय फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल गुड्स टू द रिटेलर्स. यस लास्ट बेंच. हाँ जी, कॉलेज में है ना. फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया सबको. होलसेलर जो है वो प्रोडक्ट कहां से खरीदता है, मैन्युफैक्चरर से, और उसको सेल करता है रिटेलर को. तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट दे आर वर्क लाइक अ मीडिएटर बिटवीन रिटेलर एंड होलसेलर, रिटेलर एंड मैन्युफैक्चरर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. रिटेलर में रिटेलर्स बाय फ्रॉम द होलसेलर्स, रिटेलर बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट होलसेलर्स and sell goods to the consumers यानी कि जो प्रोडक्ट है वो कौन खरीद रहा है, किससे खरीद रहा है. बेसिकली रिटेलर जो है वो प्रोडक्ट को खरीदते हैं होलसेलर से और उसको रिटेल कंज्यूमर को बेचते हैं. और यहाँ पर जो आपके जब हम रिटेल फॉर्मेट पढ़ेंगे तो यहाँ पर स्पेशलिटी स्टोर आएगा, डिपार्टमेंटल स्टोर आएगा, सुपरमार्केट, हाइपरमार्केट, तब हमको पॉइंट समझ में आएगा कि होलसेलर जैसे किराना स्टोर होता है, ट्रेडिशनल स्टोर, वो मल्टीपल जगह से होलसेलर से प्रोडक्ट को खरीदते हैं. क्लियर होगी बात. और फिर वो फाइनली सेल करते हैं. सो लाइक रिटेलर दे हैव मल्टीपल ऑप्शन फॉर परचेजिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द डिफरेंट होलसेलर, राइट. चलिए नेक्स्ट पॉइंट. होलसेलर्स बेसिस में लिखिए क्रेडिट, क्रेडिट फैसिलिटी या क्रेडिट. अब यहां लिखिए होलसेलर्स यूजुअली सेल प्रोडक्ट्स ऑन क्रेडिट टू द रिटेलर्स, on credit to the retailers for limited time period. Wholesalers usually sell on credit products on the credit to the retailers for limited time period. यानी एक limited time period होगा. या तो आपने first time जब order दिया, जब तक second time आप order तभी दोगे जब first time का payment वापस करते हो तो, क्लियर करते हो तो. ठीक है, सो इन शॉर्ट फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया. यानी क्रेडिट फैसिलिटीज आर आल्सो प्रोवाइडेड बाय द होलसेलर. ठीक है, लेकिन वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है. पर्सनल जो रिटेलर्स बेचते हैं कस्टमर को सामान, कई बार 5-5 महीने तक वो पैसे नहीं देते हैं, बट नो एक्शन इज टेकन फ्रॉम रिटेलर, राइट. या तो यहां पर लेकिन सिचुएशन है कि लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए फॉर्मली विथ फुल लिखा पढ़ी के साथ, इन शॉर्ट जो कहते हैं उसके साथ आपको क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगा. रिटेलर में लिखिए रिटेलर यूजुअली सेल प्रोडक्ट्स फॉर कैश CASH. यहां पर क्या मतलब है, खासकर स्मॉल जो आपके रिटेलर्स होते हैं वो आज भी किसके कैसे प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट, कैश के बेसिस पे. ठीक है, कैश मतलब उनसे लेंगे, पैसा लेंगे और प्रोडक्ट देंगे. लेकिन अभी बिकॉज ऑफ द फैसिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन, जैसे गूगल पे वगैरह आ गया आपका, जिसकी वजह से यू कैन इजिली बेसिकली टेक द प्रोडक्ट बाय यूजिंग गूगल पे, है ना, पेटीएम एंड फोन पे वगैरह आप यूज कर सकते हो. लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स हैं जिनके पास ये सुविधा अवेलेबल नहीं है और वो कैश में डील कर रहे हैं. खास करके जो छोटे मोटे वेंडर होते हैं, सब्जी वाले वगैरह जो होते हैं, दे आर स्टिल वर्किंग ऑन दिस. तो बेसिकली अगर कहा जाए तो रिटेल जो है आज भी किस पे डिपेंडेंट है, कैश पर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मतलब आज भी कैश ट्रांजेक्शन होता है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए स्पेशलाइज बेसिस है. लिखिए इसमें the wholesaler में लिखिए they specialize in selling of particular type of product
they specialize in selling of particular type of product. Particular type of product. यानी कि कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए स्पेशलाइज है होलसेलर. यानी अगर होलसेलर है तो सिर्फ कपड़ों का है, जैसे खेतान मार्केट चले जाओ सिर्फ क्लोथ्स का है. तो दिस इज बेसिकली स्पेशलाइज होलसेलर्स हु आर सेलिंग अ सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट लाइन या सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, तो होलसेलर ज्यादातर ऐसे ही मिलेंगे आपको. अगर फूड मटेरियल सेल करें तो सिर्फ फूड मटेरियल, सिर्फ क्लोथ्स करें तो सिर्फ क्लोथ्स, बैग्स करें तो सिर्फ बैग्स. ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट हैपन विद द रिटेलर्स. दे आर सेलिंग द वेराइटीज ऑफ द प्रोडक्ट. तो दे आर बेसिकली, कुछ है ऐसे रिटेलर्स भी हैं जो स्पेशलिटी स्टोर होते हैं, जैसे आपका बाटा, ऑरेलिया, डब्ल्यू, ये सारा क्या है, दीज आर द स्पेशलिटी स्टोर बिकॉज दे आर सेलिंग द सिंगल ब्रांडेड प्रोडक्ट. ठीक है, लेकिन ज्यादातर तो जो रिटेलर्स होते हैं दे हैव ऑप्शन टू सेल द मल्टीपल प्रोडक्ट्स. ठीक है, लेकिन होलसेलर ज्यादातर स्पेशलाइज प्रोडक्ट ही सेल करते हैं, मेजोरिटी ऑफ होलसेलर्स. ठीक है, आई बस समझ में. तो होलसेलर लिख लिया, रिटेलर में लिखो दे डील इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स. दे डील इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स या लिखो प्रोडक्ट्स. ठीक है, दे डील इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स और प्रोडक्ट्स. दे आर बेसिकली जो पतंजलि के स्टोर्स है वो रिटेलर भी है, स्पेशलिटी स्टोर्स भी है, और आपका नॉर्मल जनरल स्टोर में पतंजलि का आइटम मिलता है. तो लाइक दे हैव देयर ओन स्टोर्स, स्पेशलिटी स्टोर्स भी है, लाइक दे आर सेलिंग द सेम काइंड सेम ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट. पतंजलि का अपना स्टोर भी है, फ्रेंचाइजी में भी मिलता है स्टोर, और साथ साथ में चेन स्टोर भी है वो, स्पेशलिटी स्टोर भी है वो, और साथ साथ पतंजलि का आइटम बाकी स्टोर्स में मिलता है. तो मतलब नॉर्मल रिटेल में सेल होता है, ई कॉमर्स में इंटीग्रेटेड बेसिकली दे आर यूजिंग सेलिंग कॉन्सेप्ट. यहाँ सेल जो है उनका अलग अलग बहुत सारे कॉन्सेप्ट से चलता है. समझ में आई बात? बेसिकली यू वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन ओनली. सो दे आर यूजिंग इंटेंसिव चैनल दे आर यूजिंग. देयर आर थ्री टाइप ऑफ सप्लाई चेन में तीन तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, इंटेंसिव, सिलेक्टिव, एक्सक्लूसिव. सो दे आर बेसिकली यूजिंग द इंटेंसिव, लाइक जितना ज्यादा से ज्यादा सेल कर सको. अपने स्टोर्स भी ओपन करके सेल करते हैं, जनरल स्टोर से भी सेल करवाएंगे, किराना स्टोर से भी, बिग रिटेल स्टोर से भी, ई कॉमर्स से, मतलब ई आपका जो ई चैनल्स वगैरह अमेज़न में ये सब में भी आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा. ठीक है, चलिए. तो होल रिटेलर में लिखिए दे डील इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स और प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट पॉइंट क्वांटिटी बेसिस में लिखिए क्वांटिटी. क्वांटिटी में लिखिएगा, आपको तो समझ आ ही गया होगा कि जो होलसेलर्स है दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट इन बल्क. बल्क में प्रोडक्ट को सेल करते हैं. ठीक है, थोक में, जिसको कहते हैं हिंदी में थोक में. जैसे आप लोग के घर में भी कई बार आपके फादर, जब भी आपका एडमिशन होने वाला होता होगा तो आपके फादर घर में एकदम से इतने सारे कॉपीज लेकर आते थे होलसेलर से, खजांची रोड से. हुआ ऐसा? होलसेलर्स दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट इन बल्क. ठीक है, तो बल्क क्वांटिटी में दे आर सेलिंग द बेसिकली वो लेते भी मैन्युफैक्चरर से बल्क में है, और बेसिकली बेचते भी बेसिकली किसमें है, बल्क में. नेक्स्ट लिखिए रिटेलर में वही स्मॉल क्वांटिटीज. अब ये होता है होलसेलर जो रिटेलर जो है वो होलसेलर से स्मॉल क्वांटिटीज में प्रोडक्ट लेगा अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इन दैट लोकैलिटी, जहां पर उनका स्टोर है. मान लोकैलिटी में जितना डिमांड है, मान लो कि 20 पैकेट ब्रेड एक दिन में सेल होता है तो उनको 20 ही पैकेट की जरूरत है ना. सो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द बेसिकली प्रोडक्ट दे आर परचेजिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम होलसेलर. तो दे आर टेकिंग द प्रोडक्ट, मतलब होलसेलर से मतलब बोल सकते हैं स्मॉल क्वांटिटीज में लेता है. अच्छा एक मिनट, होलसेलर में लिख देना कि बल्क से मैन्युफैक्चरर से लेता है और स्मॉल क्वांटिटी रिटेलर को सेल करता है. मैंने शायद बल्क लिखवा दिया था, लिख लीजिए स्मॉल क्वांटिटीज. चलिए नेक्स्ट पॉइंट. अब होलसेलर हो गया बल्क क्वांटिटी, और ये क्या होगा स्मॉल क्वांटिटी में, किसको बेचता है, कंज्यूमर को. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए होलसेलर्स डिलीवरी. अच्छा होलसेलर्स जो है वो ज्यादातर प्रोडक्ट को डिलीवर कराते हैं रिटेलर्स के घर तक, है ना. लेकिन ये फैसिलिटी जो रिटेलर है, रोशन नेक्स्ट क्लास है, फर्स्ट बेंच में बैठोगे तो ओके.
सो होलसेलर जो है बेसिकली वो डिलीवर करवाता है प्रोडक्ट कहाँ तक, रिटेलर तक, बिल्कुल डोर स्टेप तक प्रोवाइड कराएगा फैसिलिटी, सामान पहुंचवा देगा. लेकिन ये फैसिलिटी हर एक रिटेलर कंज्यूमर को नहीं देता है. लाइक सम रिटेल स्टोर्स आर नॉट प्रोवाइडिंग द होम डिलीवरी फैसिलिटी. मतलब रिटेलर्स जो है यूजुअली शॉप पे ही अपना प्रोडक्ट सेल करना पसंद करता है. और कई बार कुछ बड़े रिटेलर्स जो है जैसे बिग बाजार जो है वो बेसिकली आपके डोर स्टेप तक प्रोडक्ट को प्रोवाइड करता है. लेकिन रिटेलर में भी यहाँ पर एक एक्सेप्शन आएगा आपका ई कॉमर्स वाले, यानी कि जो ऑनलाइन सेल करते हैं प्रोडक्ट वो तो आपके डोर स्टेप तक प्रोवाइड करेंगे, बट जो फिजिकल अवेलेबल स्टोर है वो लिमिटेड नंबर में आपको प्रोडक्ट को डिलीवर कराएंगे डोर स्टेप. क्लियर हो गई बात? चलिए लिखो होलसेलर में लिखो, होलसेलर ऑलवेज डिलीवर goods at doorstep of the retailers. यानी कि बिल्कुल घर तक दरवाजे तक आपको सामान लाकर होलसेलर प्रोवाइड करता है ये फैसिलिटी. ठीक है, 90% चांसेस है होलसेलर आपको डिलीवर घर तक सामान करेंगे. ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट हैपनिंग विद द रिटेलर्स. लाइक सम रिटेल स्टोर्स जो है दे आर गिविंग द फैसिलिटी ऑफ दैट होम डिलीवरी. ठीक है, अदरवाइज दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द होम डिलीवरी फैसिलिटीज. आसपास के जो छोटे मोटे रिटेल स्टोर है वो कभी भी होम डिलीवरी प्रोवाइड नहीं करेंगे अंटिल एंड अनलेस देयर इज अ रिलेशनशिप और दे आर नोन और सम अमाउंट यू आर पेइंग दैट इज हाई, लाइक 500-800 का यू आर टेकिंग प्रोडक्ट्स, राइट? सो इन दैट केस दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू. बट इफ यू वॉन्ट टू परचेज 1 kg ऑफ शुगर, दे आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड इट यू टू, मतलब दे आर नॉट गोइंग टू डिलीवर इट टू योर डोर स्टेप, राइट? सो सेकेंड रिटेलर में लिखिए, Retailers usually sales products at their shops. अच्छा, तुम लोगों को ये भी बता दूं मैं कि जैसे मैक्स वगैरह जो रिटेल स्टोर से अगर तुम चाहोगे तो तुम्हारा डिलीवर घर पे नहीं होगा, लेकिन अगर उनका ऑनलाइन साइट यूज करके मंगवाओगे तो घर पे आ जाएगा, है ना? लेकिन when you will go and when you will call the person that एक ये वाला जो है कुर्ता भिजवा दो घर पे, then they are not going to provide that facility until and unless you are going to use their online site. True? ठीक है, तो लिखे retailers usually sell at their products at their shops. They provide door delivery only at the certain conditions, यानी कुछ certain condition लगाकर ही वो deliver कराएंगे. या तो वो delivery cost ले लेंगे, या तो particular amount पे delivery देंगे, या तो कोई offer चल रहा होगा तब वो घर तक deliver कर सकते हैं. और ज्यादातर छोटे मोटे retailers कभी भी home delivery facilities नहीं देते. Clear हो गई बात सबको? चलिए next point, supply. A wholesaler goes to different places या far places, मतलब दूर दूर तक. कई बार तो आपको बता दूं छोटे मोटे टाउन से पूरा रूरल एरियाज तक सप्लाई होता है प्रोडक्ट, समझ रहे हो ना? तो बेसिकली होलसेलर बहुत सारे स्पेसेस को कवर कर लेता है, बहुत ज्यादा एरियाज को. कई बार होलसेलर पूरे रीजन और जोन को कवर करता है. बट द सेम थिंग इज नॉट विद द रिटेलर, ठीक है? तो लिखिए, अ होलसेलर गोज टू डिफरेंट प्लेसेस टू सप्लाई. और रिटेलर्स में क्या होगा? रिटेलर्स जो है दे आर यूजुअली सेल्स गुड्स एट अ पर्टिकुलर प्लेस, यानी पर्टिकुलर दैट एरिया, जो एरिया है वहीं पर वो प्रोडक्ट को सेल करते हैं. ठीक है, लेकिन होलसेलर अपने प्रोडक्ट को सेल करके सप्लाई करने के लिए, मतलब सप्लाई करने के लिए पूरा एरिया, रीजन और जोन तक बेसिकली कवर कर लेता है, समझ रहे हो ना? लेकिन दैट इज नॉट विद द रिटेलर. तो अ रिटेलर यूजुअली सेल्स at a particular place. ठीक है, हाँ, लेकिन कुछ चीजें हैं रिटेलर के साथ कि दे कैन ओपन द डिफरेंट ब्रांचेस, लाइक मॉन्गिनीज डिफरेंट ब्रांचेस दे हैव फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट. सो लाइक, हाँ, क्या है, मॉन्गिनीज है ना, डाटा मॉन्गिनीज.
सो लाइक दे आर सेलिंग लाइक बाटा, चलो बाटा ही ले लेते हैं, तो बाटा जो है वो रिटेल, एक रिटेल स्टोर जो है उसका, अगर उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है तो वो मल्टीपल रिटेल स्टोर एक एरियाज में या फिर सेलेक्टिव एरियाज में अपना ओपन कर सकता है. लेकिन अगर एक सिर्फ सिंगल स्टोर की हम बात करें तो वो सिंगल स्टोर में आप उसी एरिया में प्रोडक्ट को सेल करोगे, है ना, शॉप पे विजिट करोगे तो ही प्रोडक्ट सेल होगा. लेकिन होलसेलर जो है वो सप्लाई करने के लिए प्रोडक्ट पूरे एरियाज में भी चला जाता है, अलग अलग एरियाज में, ज्यादातर एरियाज को कवर कर लेता है. ठीक है, नेक्स्ट लिखे रिटेलर्स में लिखे, रिटेलर यूजुअली सेल्स at a particular place, sometime he may have branches in, it may have branches in other places, yani ki unke branches ho sakte hain alag alag places, right? Clear ho gayi baat? Agar unko sale karna man hai na ki hum expand kare apne areas ko, तो वो अलग अलग स्टोर को ओपन कर सकते हैं. लेकिन होलसेलर अगर एक भी जगह है ना तो मल्टीपल एरियाज को वो कवर कर लेगा. नेक्स्ट वन, कितने पॉइंट्स हुए अभी तक? 60 पॉइंट्स हुए. Growth of organized retailing in India. मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा है, वॉट इज द रीजन बिहाइंड इट, राइट? तो इवोल्यूशन ऑफ रिटेलिंग हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, आज ये फैक्टर्स को देखते हैं एक एक करके. तो सबसे पहला फैक्टर है ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास कंज्यूमर्स. Growth of middle class consumers. अच्छा, इंडिया में ज्यादातर जो फैमिली है दे आर बिलोंग टू मिडिल क्लास, राइट? दे आर नॉट एज सच रिच बट दे बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, राइट? अब उनका क्या हो रहा है कि उनके घर में अगर मान लो किसी का भी ऑक्यूपेशन या जॉब बहुत अच्छा लगता है तो उनका डिस्पोजेबल इनकम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. व्हेन योर डिस्पोजेबल इनकम विल बी इंक्रीज, योर परचेजिंग पावर विल बी इंक्रीज. सो इन शॉर्ट वी कैन से कि जो कंज्यूमर है मिडिल क्लास फैमिली में जो है उन लोगों का जो एक बोल सकते हैं ना परचेजिंग हैबिट वगैरह जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. यानी कि परचेज अब वो ज्यादा कर पा रहे हैं क्योंकि उनका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है. ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास कंज्यूमर्स जो है. आपकी कंज्यूमर का डिमांड, जो मिडिल क्लास फैमिली बढ़ी है उनका डिमांड बढ़ रहा है, उनका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है. तो इन शॉर्ट इसकी वजह से रिटेल इंडस्ट्री क्या हो रहा है, ग्रो और प्रोस्पेर हो रहा है. ठीक है, प्रोस्पर, प्रोस्पेरिटी से बना प्रोस्पर. नेक्स्ट वन, और एक और चीज है कि नाउ अ डेज द मिडिल क्लास फैमिली वॉन्ट द प्रोडक्ट, दे आर प्राइस सेंसिटिव. याद रखना, वो हमेशा सस्ता प्रोडक्ट ढूंढेंगे बट दे वॉन्ट अ सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. सो उनको क्वालिटी भी चाहिए प्रोडक्ट में और प्राइस भी लो चाहिए, जिसके वजह से जो प्रोडक्ट है उसी तरीके से आप देखना मार्केट में अवेलेबल भी हो रहा है. कॉम्पिटिटर्स जो है वो भी उस तरीके से प्रोडक्ट बना रहे हैं, सस्ता प्रोडक्ट, टिकाऊ प्रोडक्ट और अच्छा प्रोडक्ट, राइट? सो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द मिडिल क्लास फैमिली इंक्रीज हो रहा है. Next point. Increase in the number of working women. अच्छा, पहले what was the situation earlier? The women जो होती थी they were homemaker. ठीक है, घर पे रहती थी, घर पे खाना पीना बनाना, घर पे सामान लेकर आना, all these stuffs are done by women. But nowadays the women are also working and they have lack of time. उनके पास किस चीज की कमी है, समय की कमी है, टाइम की कमी है. तो वो क्या करती है, अगर उनको शॉपिंग भी करना होता है तो they just choose some particular day like Sunday, Saturday, और एक ही जगह पे जाकर के वो सारी चीजों को खरीदना पसंद करती है comparatively to investing time in the different retail store. ठीक है, इसलिए डिपार्टमेंटल स्टोर जैसे खुद बहुत सारी लेडीज है, सबसे पहले बिग बाजार जाएंगी, सारा सामान खरीदेंगी और ले आएंगी. क्यों? क्योंकि वहां सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है ना. तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और खासकर आपका सारा सामान अंडर वन रूफ वाली फैसिलिटीज इंडिया में अवेलेबल होनी शुरू हो गई है.
है ना. सो वी कैन से कि टुडे खासकर अर्बन वुमेन्स जो होती है वो लिटरेट होती है, ठीक है, कंपैरेटिवली टू रूरल एरियाज. अर्बन वुमेन जो होती है लिटरेट होती है, क्वालिफाइड होती है, दे कैन दे हैव टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द वर्क एंड home. And because of this, the purchasing habit of working women is different from the homemaker. यानी जो घर पे रहती है ladies, उनसे working women का जो purchasing pattern होता है, तरीका होता है, वो अलग होता है ना. They do not have sufficient time leisure that they can invest on purchasing the particular kind of product, and they just want everything under a single roof. ठीक है, और इसी वजह से modern retail outlets क्या हो रहे हैं, increase हो रहे हैं. क्लियर हो गई बात, समझ में आया पॉइंट. चलिए नेक्स्ट, वैल्यू फॉर मनी. वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर मनी, ठीक है. अब जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर है कंपैरेटिवली टू अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल डील्स इन द हाई वॉल्यूम्स एंड एबल टू एंजॉय मोर बेनिफिट. क्योंकि एक ही बार में रिटेल आउटलेट में बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे बिग बाजार देख लो बहुत सारे आएंगे, विशाल मार्ट देख लो बहुत सारे लोग आते हैं, आते हैं ना. तो ऐसे सिचुएशन में जो आपके ये जो आपके बिग बड़े रिटेलर्स होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स होते हैं, दे रीच द इकोनॉमीज ऑफ स्केल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, व्हेन यू आर सेलिंग सो मेनी प्रोडक्ट. और इन कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स बताऊं तो जब आप प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हाई करते हो तो आपका ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट लो हो जाता है ना. सो यहाँ पर जो आपके रिटेलर्स है दे रीच द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कौन, खासकर ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, ठीक है. They eliminate the intermediaries in the distribution channel somehow, like Big Bazaar और जो बड़े बड़े जो आपके retail outlets हैं, they are purchasing the product directly from the manufacturer. कई बार wholesaler से भी नहीं खरीदते. तो mediator को क्या कर रहे हैं, eliminate कर रहे हैं, eliminate हुआ mediator, bulk में product भी sale कर रहे हैं. यानी एक बार में लोग बहुत सारे भी आते हैं, बहुत सारे product एक दिन में sale हो रहे हैं, तो economies of scale reach हो रहा है, जिसकी वजह से डिस्काउंट और ऑफर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं. तो आजकल के लोगों को क्या है, पैसे की क्या है, वैल्यू कम प्राइस में डिस्काउंटेड रेट में प्रोडक्ट चाहिए. सो वैल्यू ऑफ मनी कहीं ना कहीं बढ़ गया है, जिसकी वजह से द पीपल आर इंक्लाइंड टुवर्ड द ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर, बिकॉज दे आर गेटिंग बेनिफिट, बेनिफिट इन द टर्म ऑफ डिस्काउंट्स, ठीक है. एंड व्हाई दे आर एबल टू सेल द प्रोडक्ट इन डिस्काउंट, बिकॉज दे आर टेकिंग और परचेजिंग द प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड एलिमिनेटिंग द इंटरमीडियरीज. क्लियर हो गई बात, कंसेप्ट क्लियर हुआ. चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इमर्जिंग रूरल मार्केट, इमर्जिंग रूरल मार्केट, इमर्जिंग रूरल मार्केट. अच्छा, तुम लोग एक कंसेप्ट बताती हूँ कि जो अभी अर्बन मार्केट है, जो हम लोग का शहर है, अर्बन मार्केट जो है, शहर के जो मार्केट होते हैं वो अभी सैचुरेटेड है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड हियर, लाइक अब वो एक्सट्रीम लेवल पे वहां पर कंपटीशन बढ़ चुका है और एक्सट्रीम कंपटीशन है. यानी जितना हो सकता था कंज्यूमर को आप लोगों ने इन्फ्लुएंस कर लिया, जितना हो सकता आपने सेल कर लिया, लेकिन अभी फैसिलिटी या अपॉर्चुनिटी कहाँ अवेलेबल है जहां प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, और वो है रूरल मार्केट. सो अभी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट पता है किस मार्केट का हो रहा है, रूरल मार्केट का, नॉट इन द सेम पेस और एक्सटेंट, बट दे आर ट्राइंग टू बेसिकली इम्प्रूव द रूरल मार्केट. तो अब नया नया मार्केट स्टार्ट हो रहा है. And this was first started by the ITC, ITC Empirical Tobacco Company ने सबसे पहला social welfare के नाम पे इन्होंने चौपाल सागर नाम से एक departmental store को, that was not department, that was a hypermarket को उन्होंने शुरू किया था. Like वहां पर सारे सामान मिलते, tractor तक मिलते थे, चौपाल सागर सबसे पहले मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था, ठीक है. It was firstly started in MP, वहां पर किसी गाँव के किसी एरियाज में they started selling that. So, मतलब they make that चौपाल सागर, एक मॉल टाइप का था वो, जहां सब कुछ अवेलेबल था, हर चीज मिलता था. तो रूरल मार्केट जो है सबसे फास्ट इमर्जिंग मार्केट है अभी, बिकॉज द पीपल्स आर नाउ बिकमिंग द क्वालिटी कॉन्शियस इन द रूरल एरियाज, पीपल आर बिकमिंग एजुकेटेड. मतलब अभी वहां पर एजुकेशन जो है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लोग कॉन्शियस हो रहे हैं, वो भी अपना परचेजिंग पैटर्न को चेंज करना चाह रहे हैं. सोशल मीडिया का इफेक्ट वहां भी दिख रहा है. So due to a huge potential in the rural retail, organized retailers are developing the new products and strategy to satisfy the rural market. यानी rural market के लिए कई बार वो अलग product भी बना रहे हैं, अलग नए नए products भी बना रहे हैं, ताकि वो वहां पर उसको sell कर पाए, ठीक है. तो नए products बनाना, नए retail sectors open करना, क्योंकि market saturated है, नए consumer मिलना वहां पर, कहां पर,
रूरल एरियाज में, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रिटेल सेक्टर को क्या करी, इंप्रूव करिए, बेटर करिए, ग्रो करिए, ठीक है, ये पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट है एंट्री ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। एंट्री ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर से नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे हम बाकी के पॉइंट को। आई थिंक एंट्री ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर तो अपने आप में डिफाइंड है, कॉर्पोरेट सेक्टर, एमएनसीज, आईटी सेक्टर्स, ठीक है, वर्किंग लाइफ बेटर इंप्रूव हो रहा है, नए नए आ रहे हैं, ठीक है, सो कहीं ना कहीं उनका डिमांड, जैसे कैफे कॉफी डे सीसीडी, सबसे ज्यादा डिमांड उसका पता है कहाँ था, बैंगलोर में। It was started, the first outlet was started in Bangalore because people want something according to their status and they want to basically invest their time in the particular areas. So Cafe Coffee Day was started. So corporate ki entry ne kahin na kahin naye naye products aur naye naye ideas ko generate kiya, hai na? Like if you are working in the office, you can take the help of Zomato for the lunch. Lunch ke liye Zomato se order kar lo. तो ये सारी फैसिलिटीज क्यों हुआ कॉर्पोरेट एंट्री से। खैर कॉर्पोरेट एंट्री को मैं दोबारा से एक बार फिर बताऊं, ठीक है।